हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। और वीडियो देखकर अपने हाथों की मुठिया कस लेता है। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो जोर से फोन जमीन पर पटकता है और नैना की तरफ देखकर बेहद गुस्से से कहता है, ये सब सच है? नैना उसकी तरफ देखती है और डर के मारे पीछे होते हुए कहती है, मेरी बात तो सुनिए। पर आरव के सर पर तो इस वक्त खून सवार था। वो गुस्से से उसके करीब जाते हुए कहता है, ये सब सच है या नहीं? नैना डर से बिल्कुल कांप रही थी। वो कांपते होठों से कहती है, प्लीज मेरी बात तो सुन। आरव उसकी बात नहीं सुनता और उसे पीछे दीवार से लगाता है और बेहद गुस्से से उस पर गरजते हुए कहता है, ये सब सच है या नहीं? उसने इतनी जोर से बोला था कि नैना अंदर तक कांप गई थी। वो कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, सच है, लेकिन ये पूरा सच। इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात कर पाती, आरव जोर से एक थप्पड़ मारता है उसको, इतनी जोर से कि नैना के होठों से खून बहने लगता है। नैना अपने गाल पर हाथ रखकर आरव की तरफ देखती है। आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे उसके। विवान कहता है, देख लिया, मैं नहीं कहता था कि ये लड़की सही नहीं है। हमारे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है ये, जिससे तू प्यार करता है। आरव अपने बालों में हाथ फंसाकर वहीं बैठ जाता है। नैना के साथ बिताए एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। जो लड़की उससे बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके साथ उसने अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखे थे, जिस लड़की ने लगभग आरव को अपना सब कुछ मान लिया था। और आज भी अगर आरव अपने कदम नहीं रोकता तो नैना अपना सब कुछ उसे दे देती। वो लड़की उसके साथ प्यार का नाटक कर रही थी, दिखावा कर रही थी। और तो और, वो उसके सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। वो अपनी आंखें ये सब सोचकर बंद कर लेता है। उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ घूमने लगती है, आरव रुक जा बेटा, अपनी माँ की बात नहीं मानेगा मेरा प्यारा बच्चा। अचानक ही उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई देती है, नहीं छोड़ो मुझे, तू भाग जा आरव, भाग जा, तुझे मेरी कसम, जा मेरे बच्चे। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। नैना एक तक उसका चेहरा देख रही थी, शायद वो उसकी तकलीफ महसूस कर पा रही थी। वो धीरे से उसके पास जाती है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मेरी बात तो। आरव अपनी गुस्से से भरी लाल आंखें खोलता है और नैना को बालों से पकड़कर कहता है, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। विवान कहता है, धोखा देना तो इसके खून में है। आरव बेहद गुस्से से उसके बालों से पकड़कर खड़ा करता है और कहता है, धोखा बर्दाश्त नहीं है मुझे, बोला था ना तुम्हें। नैना को बहुत दर्द हो रहा था, दर्द के मारे आंसू भी निकल रहे थे उसके। आरव से मिन्नत करते हुए कहती है, बस एक बार मेरी बात। आरव को इस वक्त कोई होश नहीं था, उसके सामने उसकी नैना नहीं थी, रॉय की बेटी थी। वो नैना को दीवार में धक्का दे देता है, जिससे नैना के माथे से खून बहने लगता है और वो लड़खड़ाकर वहीं गिर जाती है। विवान उस पर अपनी गन पॉइंट करता है और नैना की तरफ देखते हुए कहता है, बोला था ना तुमसे कि जिस दिन तुम गलत साबित हुई, मौत तो तुम्हारी मेरे हाथों से ही होगी। ये कहकर वो उस पर गोली चलाने वाला होता है कि बीच में आकर आरव उसका हाथ पकड़ लेता है। विवान हैरानी से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तू अब भी इसे बचाना चाहता है, इसे, इस धोखेबाज को? आरव नैना को घूरते हुए कहता है, नहीं नहीं, इतनी आसान मौत नहीं होगी इस धोखेबाज की। इसकी मौत मैं तय करूंगा, इसकी भी और इसके बाप की भी। नैना आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी, माथे से अब भी खून बह रहा था उसके। आरव उसके पास जाकर जमीन पर बैठते हुए कहता है, बहुत शौक है ना दोनों बाप बेटी को खेल खेलने का, तो अब खेल मैं खेलूंगा, और ऐसा खेल जिसमें ये धोखेबाज बाप बेटी दोनों तड़पेंगे, खून के आंसू रोएंगे दोनों, मौत की भीख मांगेंगे मुझसे, पर मौत नसीब नहीं होगी दोनों को। आरव नैना की तरफ घूरते हुए और बेरहमी से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहता है, मीडिया बुला विवान, आरव राठौर शादी करने जा रहा है, वो भी रॉय की बेटी से। ये ब्रेकिंग न्यूज मुझे हर चैनल पर देखनी चाहिए, मुझे बर्बाद करने आई थी ना, पछताओगी अब से तुम हर घड़ी हर लम्हा कि क्यों तुम मेरी जिंदगी में आई। तुम सोच भी नहीं सकती कि अब तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा होने वाला है। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, शादी करना चाहती थी ना, तो तैयार हो जाओ। नैना रॉय,
आरव की पत्नी बनने के लिए। वो बहुत बुरी तरीके से नैना के बदन को छू रहा था और डर के मारे नैना खुद में ही सिमटती जा रही थी। विवान बाहर चला जाता है और मीडिया को बुलाता है। आखिर होने वाले नेता रॉय की बेटी की शादी, वो भी आरव जैसे माफिया के साथ। आरव भी नैना को कमरे में बंद करके बाहर आता है। जो उसके दिल में नैना के लिए प्यार था, वो सारा एक ही पल में नफरत में बदल गया था। उसके दिल में बदले की आग सुलग रही थी, जो अब ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। और वो ज्वालामुखी अब किसी भी वक्त फट सकता था, जिसमें नैना का जलना तय है। अंदर कमरे में नैना अब भी जमीन पे पड़ी थी। उसके माथे से अब भी हल्का हल्का खून बह रहा था और आंखों से बेहिसाब आंसू। वो मन में कहती है, बस इतना ही भरोसा था आपको अपने प्यार पर, बस एक ही पल में सब खत्म कर दिया आपने। मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया। क्यों आरव जी, क्यों? कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लेते। मैं धोखेबाज नहीं हूँ और ना ही मेरा प्यार कोई खेल है। लेकिन आपने, अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही। आपको जुल्म करना है ना मुझ पर, तो कीजिए। मैं भी अब आपको सच्चाई नहीं बताऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि प्यार और नफरत की जंग में कौन जीतता है। मैं देखना चाहती हूँ कि अपने बदले की आग में आप किस हद तक गिरते हैं। ये सब सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में सारी मीडिया आरव के बंगले में थी। चारों तरफ शोर हो रहा था, चर्चा हो रही थी कि रॉय जैसे बड़े आदमी की बेटी, जो कि होने वाला नेता भी है, उसकी कोई बेटी भी है जिसे उसने दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा था, उसकी शादी एक माफिया से, एक आरव जैसे माफिया से। तभी आरव और विवान उन सबके सामने आते हैं। आरव दिल में गुस्सा और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए कहता है, तो आप सबको पता तो चल गया होगा मैं आरव राठौर शादी करने जा रहा हूँ, वो भी आप सबके चहेते रॉय साहब की बेटी के साथ। मीडिया वाले कहते हैं, क्या ये सच है? हमने सुना है कि वो लड़की काफी दिनों से आपके घर में रह रही थी। आरव कहता है, बिल्कुल सही सुना है आपने। नैना रॉय मेरे साथ मेरे घर में, इवन मेरे कमरे में, यहाँ तक कि मेरे साथ। छोड़िए, वो हमारी आपस की बातें हैं। आप सब बस तैयारियाँ कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरी शादी लाइव दिखाएं, ताकि मेरे ससुर जी भी शादी में शामिल हो सके। वो क्या है ना, वो हम दोनों की शादी के खिलाफ हैं। आरव ने पूरे मीडिया के सामने रॉय और नैना का तमाशा बना दिया था और हर टीवी चैनल पर यही खबर दिखाई जा रही थी। कुछ घंटों की बेहोशी में नैना की जिंदगी बदल गई थी। आरव ने सबको कल दोपहर 12 बजे आने को कह दिया था कि कल 12 बजे वो पूरे मीडिया के सामने नैना से शादी करेगा। रात हो जाती है, मीडिया वाले चले जाते हैं। आरव अब भी वहीं खड़ा मन में कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया नैना रॉय, तैयार हो जाओ अपने हर धोखे का हिसाब देने के लिए। गुस्से से भरा हुआ वो शराब की बोतल उठाता है और अपने होठों से लगा लेता है। सारी बोतल एक सांस में पीने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। दरवाजा खोलकर वो अंदर जाता है। नैना अब भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर साफ चमक रहे थे, लेकिन आरव को उस पर प्यार नहीं आ रहा था, केवल गुस्सा और नफरत। इतनी नफरत की कोई सोच भी नहीं सकता। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और पानी का जग उठाकर सारा पानी उस पर ढाल देता है। नैना एकदम से चौंक जाती है। उसके माथे से अब भी खून निकल रहा था। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो नजरें जाती है सामने आरव पर। उसके गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर नैना सहम जाती है। आरव उसके पास बैठते हुए उसके बालों से पकड़कर उठाते हुए कहता है, उठो जान। नैना उठती है और पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ जाती है। आरव उसके सामने सोफे पर बैठ एक सिगरेट जलाकर अपने होठों में रखता है। नैना देख पा रही थी कि आरव ने कितनी ज़्यादा शराब पी रखी है। जिस आरव को नैना के प्यार ने पूरा बदल दिया था, आज वही आरव वापस उसी रास्ते पर चल पड़ा है। आरव उसे घूरते हुए कहता है, यही औकात है तुम्हारी मेरे कदमों में, और एक जगह है तुम्हारी, वहाँ मेरे बिस्तर पर। नैना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। आरव के शब्द उसके कानों में घूमने लगते हैं, तुम्हारी जगह सिर्फ मेरे दिल में है। वो अपनी आँखें बंद कर लेती है और मन में कहती है, आप मेरे आरव जी हो ही नहीं सकते। एक बार फिर उसकी आंखों में नमी आ जाती है, जिसे वो रोक नहीं पाती, और उसके आंसू छलक जाते हैं। आरव उसे रोते हुए देखकर कहता है, बस यही आंसू, यही तकलीफ लिखी है तुम्हारी किस्मत में, इसी के लायक हो तुम।
तुम यहाँ तड़पोगी और तुम्हारा बाप वहाँ तड़पेगा। नैना बस सिसकती रहती है। आरव उठकर उसके करीब जाता है और बेरहमी से उसका गला दबाते हुए कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों, शर्म नहीं आई मेरे दिल के साथ खेलते हुए? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? नैना को बहुत तकलीफ हो रही थी, सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो आरव के हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी पर आरव पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसका गला और भी जोर से दबाते हुए कहता है, अपने बाप के लिए किया ना तुमने ये सब, अपने कमीने और घटिया बाप के लिए तुमने मेरे साथ खेल खेला, आरव राठौर के साथ। नैना की आंखें बंद हो रही थी, उसके हाथ पैर भी ढीले पड़ गए थे। आरव एक झटके से उसे छोड़ता है और बहुत जोर से अपना हाथ दीवार में मारता है। नैना बुरी तरीके से खांस रही थी और तेज तेज सांसें ले रही थी। आरव उसे देखकर उसके पास जाता है और उसकी बाजू मोड़कर पीछे लगाते हुए कहता है, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो चुकी है मेरी जान, इस तबाही की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ये कहकर वो टीवी ऑन करता है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जा रही थी, आरव राठौर की शादी नैना रॉय के साथ, जो कि पिछले कुछ दिनों से बिना शादी किए उन्हीं के घर में उन्हीं के साथ रह रही है। वजह, मिस्टर रॉय इनकी शादी के खिलाफ हैं। हम कल आपको इनकी शादी का लाइव वीडियो दिखाएंगे। ये सब देखकर नैना को तो विश्वास नहीं होता कि ये सब आरव ने किया है। आरव एक झटके से उसे अपने करीब करते हुए कहता है, तोहफा पसंद आया जान? तुम कहो तो हमारी सुहागरात भी लाइव दिखा दूं। नैना अपना चेहरा फेर लेती है, आंसू नहीं रुक रहे थे उसके। फिर वो आरव की तरफ देखकर कहती है, इससे अच्छा तो आप हमें जान से ही मार देते। आरव उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहता है, मारूंगा, तुम्हें जान से भी मारूंगा, तुम्हें भी और तुम्हारे बाप को भी। तड़प तड़प कर मरोगे तुम दोनों। नैना रॉय, बहुत बड़ी गलती की है तुमने मेरे साथ धोखा करने की। नर्क बना दूंगा तुम्हारी जिंदगी को। वो बहुत बेरहमी से उसको छू रहा था और नैना की डर के मारे आवाज़ नहीं निकल रही थी। आरव पीछे से उसकी कमर पर हाथ कसते हुए कहता है, अपने बाप का साथ देने से कम ये तो पता कर लेती कि मेरी उससे दुश्मनी क्या है। नैना डरते हुए कहती है, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। आरव उसको कंधे से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहता है, और जो दर्द मेरे सीने में हो रहा है उसका क्या? 10 साल का था मैं जब तुम्हारा बाप कहर बनकर बरसा था मेरे परिवार पर, और किस लिए? सिर्फ मेरे पापा की दौलत के लिए। और इससे भी तुम्हारे बाप का मन नहीं भरा, उसकी गंदी नीयत मेरी माँ पे पड़ी। तुम्हारे कमीने बाप ने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को मार डाला, मेरी माँ की इज्जत लूटी और फिर उन्हें जिंदा जला दिया, और मैं एक छोटा बच्चा छिपकर सब देख रहा था। उसकी नज़र मुझ पे भी पड़ी, वो मुझे भी मार देता अगर मेरी माँ अपनी कसम देकर मुझे वहाँ से भगाती नहीं। आरव की आंखों से आंसू बह रहे थे और नैना की आंखों से भी। आरव बेहद गुस्से से कहता है, अब अपने बाप के कर्मों का फल तुम भुगतोगी। देखना चाहोगी जिंदा जलने का दर्द क्या होता है? महसूस नहीं करना चाहोगी उस दर्द को? नैना रोते हुए कहती है, नहीं प्लीज, मेरी बात सुनो एक बार। आरव को कोई होश नहीं था। वो एक झटके से नैना के कंधे से उसका सूट फाड़ता है और जलती हुई सिगरेट उसके कंधे पर रख देता है। नैना दर्द के मारे चिल्ला पड़ती है पर आरव रुकता नहीं है। वो सिगरेट उसके बदन से नहीं हटाता बल्कि और भी जोर से सिगरेट को दबाते हुए कहता है, चिल्लाओ, चीखो, तड़पो, मेरी माँ भी ऐसे ही तड़पी थी। नैना बुरी तरीके से चिल्ला रही थी और रो रही थी पर आरव पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं था। नैना की हालत बहुत खराब हो रही थी, वो दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और आरव की बाहों में झूल जाती है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या नैना की ज़िंदगी में और भी तबाही आने वाली है? क्या नैना का पूरा सच आरव जान पाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।